नियरली 50 गाड़ियों को हाथ दिखा दिया और कोई रुका नहीं है। 2 घंटे हो गए। वी गॉट अ राइड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 8 जून और अभी बज रहे सुबह के 7 o'clock। आज ध्रुव और मैं जा रहे हैं केलहाइम नाम की एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे एक 6 किलोमीटर की छोटी सी ट्रैक है, वहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। तो 7:30 बजे की बस है सेंट्रल स्टेशन से, तो जल्दी पहुँचना है और मैं लेट हो गया हूँ। तो अभी हम पहुंच गए एक छोटा सा टाउन विच इज़ कॉल्ड बादाबाद। यहाँ से कैलहाइम कुछ 17 किलोमीटर और है और अगली बस 1 घंटे बाद है, तो हम ट्राई करेंगे कि हिचहाइक करें। पता नहीं सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, बट देखते हैं। तो अभी हम यहाँ से चल के आए हैं और ये रास्ता, ये दरवाज़ा खुलता है डायरेक्ट हाईवे पर। डोर टू द हाईवे। नियरली 50 गाड़ियों को हाथ दिखा दिया और कोई रुका नहीं है। तो अभी हम अपने बस स्टॉप पे वापस आ गए। यहाँ से 9:10 की बस है, अभी हो रहे हैं 8:45 और ध्रुव को एक बिल्ली मिल गई, वो उसके साथ खेल रहे हैं वहाँ पे। तो हमें फाइनली बस मिल गई और हम जा रहे हैं केलहाइम की तरफ। तो अभी हम पहुंच गए हैं केलहाइम, कुछ ब्रेकफास्ट के लिए ढूंढते, कॉफ़ी वॉफी ढूंढते एंड देन विल स्टार्ट द हाइक। अभी बज रहा है 10:30, मस्त सा ब्रेकफास्ट हो गया है एंड हमने हमारी हाइक नियरली चालू कर दी है। बहुत मच्छर है, बहुत बालों में अटक रहे, गले पे मर रहे, चेहरे पे, नाक में घुस रहे, कहीं भी घुस रहे, बहुत ज्यादा मच्छर है यहाँ पे।
ये रिवर क्रॉस करके ये आइलैंड पे आ चुके हैं एंड धूप निकली है, इसका मतलब है चश्मा बदलते हैं एंड ये मैंने चेंज कर लिया। तो अभी हम यहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है और ब्यूरी है जो हम विज़िट करने वाले हैं। से चिकन बना के लाया है तो अभी हम बस रिवर साइड बैठ के टिफिन खाएंगे, मजे करते हैं। तो अभी बज रहे क्या तेरा ब्लॉग चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, तो अभी बज रहे 2:15। हमने यहाँ पे डिनर किया मस्त, ध्रुव ने चिकन बना के लाया था, चिकन ब्रेड खाया एंड देन हम यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे थे। ध्रुव मस्त पैर पानी में डाल के बैठा था, पानी बहुत ठंडा है, बाकी तो सही था, मज़े किए। अभी यहाँ पे एक सुवीनियर शॉप है, जाते हैं वहाँ पे, वहाँ से कुछ पोस्ट कार्ड उठाते हैं एंड देन निकलते हैं केल्हाइम की तरफ। Finally, after nearly 45 minutes, we got a ride with Yuan, right? With Yuan. Yeah, Yuan, and he is traveling with his family. His wife is driving with a kid in the front. It's nice. We are getting a ride till Kelheim, and from there we'll go to the wine festival. Bye. Thank you. Messi. Aaram se. Messi kya hota hai? Let's thank you. in French. तो कोशिश करो तो सब सफल होता है। सुबह तो हिचहाइकिंग नहीं हो पाई थी बट अभी हमने कोशिश की और अभी हमें ये फ्रेंच फैमिली मिल गई थी जिन्होंने हमें नियरली 1 किलोमीटर दूर फ्रॉम आवर डेस्टिनेशन छोड़ दिया है। तो अभी हम चल रहे हैं हमारी डायरेक्शन की ओर। थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग अस हियर, इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। लाइफ में पहली बार हिचहाइकिंग की थी और अच्छा रहा, सही रहा। पहुंच गए हैं अब हम ओल्ड टाउन। अभी वाइन फेस्टिवल तो 4 बजे चालू होने वाला है, अभी हो रहे 3:40, तो तब तक हम सोच रहे कि आइसक्रीम ही खा ले। चीज़ केक आइसक्रीम, हाँ यार काफ़ी सस्ती थी वैसे, ये 1.5 से भी कम में पड़ी, बहुत सही है। पोस्ट कार्ड्स ले लिए यहाँ से, वेल्टनबर्ग में पोस्ट कार्ड 50 सेंट्स के मिल रहे थे, यहाँ पे एक पोस्ट कार्ड 1 यूरो 10 सेंट का मिला, 60 सेंट महंगे। और जो ध्रुव बता रहा था कि यहाँ पे एक वाइन फेस्टिवल है तो स्टोर में लेडी ने बोला वाइन फेस्टिवल तो नहीं है बट एक म्यूज़िक फेस्टिवल है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो वाइन फेस्टिवल एक्चुअली है और हम पहुँच गए हैं जहाँ पे है। बहुत सही म्यूज़िक बज रहा था वहाँ पे, 1 घंटे बैठ के हमने म्यूज़िक सुना, बातें बातें की और अभी हम जा रहे हैं रेगेंसबर्ग वापस। 6 से 8:10 हो गए, 2 घंटे हो गए हम यहाँ पे रुके, हमें अभी तक बस नहीं मिली है। यार ये जर्मनी में स्मॉल टाउन्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन वीकेंड बहुत बेकार है, आधे आधे 1 घंटे के बाद बसेस होती है और बसेस आती भी नहीं है। अपेरेंटली हम 3 बस मिस कर चुके हैं बट एक भी बस हमें दिखी नहीं है।
बज रहे हैं रात के 10 एंड मैं अपने हॉस्टल नियरली पहुंचने वाला हूं। तो बस स्टॉप पे हमें एक ग्रुप ऑफ पीपल मिल गए थे जिसमें से एक की शादी हो रही थी, तो वो अपनी बैचलर पार्टी के लिए आए थे। तो ऑन द वे बैक उनसे ही गप्पे मारते मारते हम आए एंड आज का दिन बहुत अच्छा था। हाँ बट ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने थोड़ी वाट लगा दी। एंड हाँ, जो बस हमने क्लाइम से रेगन्सबर्ग तक ली वो हमारे टिकट जो हमारे लिए है उसमें कवर्ड नहीं थी, इसलिए हमें उसके लिए पे करना पड़ा। 6 यूरो का टिकट था, काफ़ी महंगा था, बट अभी क्या करें, हमारे पास चॉइस नहीं थी, 2.5 घंटे से रुके हुए थे। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए ये अपनी दोस्तों के साथ। और मैं लास्ट वीकेंड प्राग, ड्रेसडन, बर्लिन, पोट्सडम ये सारी जगह घूमने गया था, तो वहाँ की सबकी वीडियोस आने वाली है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।